काव्य संग्रहों समेत 16 पुस्तकों का संपादन किया है। समय समय पर आपके एक देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफल आयोजन किया है। सर, आपका सादर अभिवादन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के लिए। आइए। आपको प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगा। बहुत बहुत आभार आपका। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय, हम सभी के आदरणीय और गुरुवर आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे सर, मेरे गुरुवर आदरणीय डॉक्टर सतीश पांडे सर, जो कि इस सत्र में उपस्थित हैं। आज मैं जिस उपन्यास पे चर्चा करूंगा वो इसी साल 2020 में की जनवरी में राजकमल से प्रकाशित हुआ भगवान दास मोरवाल का एक छोटा सा उपन्यास है, शकुंतिका। हम लोग जानते हैं कि भगवान दास मोरवाल जो हैं वो लगातार अपने उपन्यासों को लेकर इधर चर्चा में रहे। सन 1999 में उनका जो उपन्यास सबसे पहले आया काला पहाड़, उसके बाद बाबल तेरे देश में, फिर उन्होंने वंचना, और अभी बीच में उनका उपन्यास 2017 में सुर बंजारन, उसने काफी प्रतिष्ठा पाई। तो शकुंतिका जो उपन्यास है उसकी चर्चा और उसके विषय के बारे में बताने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि उपन्यास लेखन की जो यात्रा 1877-78 में शुरू हुई, और जो भाग्यवती जब लिखी जा रही है सदाराम फिलौरी से, तो वो क्या विषय चुनते हैं? वो विषय चुनते हैं कि स्त्रियों में स्त्री जीवन की समस्याएं, उसकी शिक्षा की समस्याएं, विधवा विवाह की समस्याएं, है ना। और अब उसके इतने सालों बाद जब 2020 की जनवरी में भगवान दास मोरवाल एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो वो स्त्री शिक्षा के माध्यम से स्त्री के विकास और उसके जीवन के उत्थान की स्थिति को दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये उपन्यास की इतनी लंबी यात्रा में हम विषय वस्तु तो करीब करीब वही रखे हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल गया है, बदलाव को स्वीकार करने की स्थितियां बदल गई हैं। तो ये स्थितियां किस तरह बदली हैं उसको समझने में ये उपन्यास निश्चित तौर पे बहुत उपयोगी है। जैसा कि उपन्यास का शीर्षक है शकुंतिका, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हम सभी जानते हैं शकुंतिका एक पक्षी का नाम है जो कि शुभ मानी जाती है। तो उपन्यास के केंद्र में दो परिवार हैं। एक परिवार जो है वो दुर्गा जी और दुर्गा और अग्रसेन जी का है, दूसरा परिवार भगवती और दशरथ का है। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थितियां लगभग एक जैसी हैं, दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों परिवारों में जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि दुर्गा और अग्रसेन के दो पुत्रों के माध्यम से उनको चार बच्चे हैं और वो चार पोतों के जो हैं दादा दादी हैं। भगवती और दशरथ के भी दो पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र की तीन कन्याएं हैं, लड़का एक भी नहीं है। तो वो अपने उस जीवन के अभाव को लगातार महसूस करते रहते हैं, और दुर्गा और अग्रसेन को इस बात के लिए कई बार वो कहते हैं कि जिनके पास है ईश्वर उन्हीं को देता है। तो एक लड़के की कामना जो है वो लगातार दादा दादी के मन में बनी हुई है। लेकिन फिर यहीं पे ये होता है कि उपन्यास एकदम सपाट हो जाता है। उसकी भाषा सहज है, सरल है, लेकिन कथानक भी सपाट है। और धीरे धीरे होता ये कि जैसे जैसे दुर्गा और अग्रसेन के घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो किस तरह से दादा दादी की अवज्ञा करते हैं और पूरे घर की स्थितियों में एक तनाव खड़ा करते हैं, जबकि ये जो लड़कियां बढ़ रही हैं वो बड़ी आज्ञाकारी हैं, वो शिक्षा बहुत अच्छा ग्रहण कर रही हैं, वहाँ लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद वो कम अंक लेकर उत्तीर्ण हो रहे हैं, कुछ तो अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो तीनों लड़कियां हैं, सिया, गार्गी और बुलबुल, वो एकदम कमाल कर रही हैं। सिया का LLB में एडमिशन हो जा रहा है, गार्गी का डॉक्टर मेडिकल में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो एक साफ स्थिति उन्होंने ये दिखाई कि जो एक परिवार में ये कहा जाता रहा है कि अगर लड़के रहेंगे तो ही परिवार में वंश चलेगा और एक समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं वो इन कथानकों के माध्यम से नकारते हैं कि नहीं, अगर लड़कियां हैं और वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं तो वो भी आपके आदर सत्कार का कारण बन रहे हैं। हाँ, इसमें एक पक्षी वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां चार लड़के हैं और चारों नालायक हैं,
मतलब वो किसी को भी थोड़ा भी इस योग्य नहीं समझते कि अगर लड़कियों को बहुत योग्य सिद्ध कर रहे हैं तो उसको थोड़ा तो कमतर आ गए, लेकिन वो इस पक्ष को उभारने के लिए कि लड़कियां बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत आगे पढ़ रही हैं, उस पक्ष का उन्होंने पूरी तरह से निषेध किया है। और उस अनुभव को, मतलब उस घर में रहते हुए दुर्गा लगातार जो अनुभव करती है वो भगवती के साथ बांटती है। वो आगे चल के जब भगवती का जो दूसरा लड़का है जिसे कि एक भी बच्चे नहीं है, तो वो उसे सलाह देती है कि वो जो है एक बच्चे को अनाथालय से गोद ले ले, परिवार के बच्चों को ना ले, क्योंकि बाद में अगर पालन पोषण में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो एक कलंक लगता है। और इसमें भी क्रांतिकारी पहल दोनों महिलाएं दुर्गा और भगवती ये तय करती हैं कि जिस बच्चे को गोद लिया जाए वो लड़का ना हो के लड़की हो, क्योंकि अगर लड़का होगा तो हो सकता है वो परिवार की जो बाकी लड़कियां हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दे और भाई बहन के बीच जो प्रेम की स्थितियां होती हैं शायद वो न बने। लेकिन अगर लड़की रहेगी तो निश्चित तौर से वही जो उनका मानना है कि वो आज्ञाकारी रहेंगी और जैसे सभी लड़कियां बढ़ रही हैं आगे इसी तरह से वो आगे बढ़ेगी, और इस चीज का पूरे परिवार भी स्वागत होता है। वो जाके एक नए बच्चे को अनाथालय से उसे स्वीकार करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम पीहू रखते हैं, और इनके घर परिवार की चारों लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख के अपना नाम कमा रही हैं। दूसरी तरफ दुर्गा और अग्रसेन के अपने बच्चे भी नालायक सिद्ध होते हैं, वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनके बच्चे उनसे भी नालायक हैं, वो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं, बुलेट लेके घूमते हैं। कहने का मतलब जिस परिवार में लड़के हैं वो एकदम निकम्मा और निरीह और लीचड़ और लद्दड़ टाइप का परिवार है, और जिस परिवार में लड़कियां हैं वो एकदम शकुंतिका जैसा माहौल है, वहां पे पवित्रता है, पावनता है और सब कुछ बड़ा शुभ है। तो अगर वैचारिक धरातल पर देखें तो ऐसे समय में जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो बड़े शुभ संकेत हैं कि आप स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों को लेके लगातार बात करें और उनपे इस तरह का विषयों के चयन करके लेखन लिखें। लेकिन परेशानी इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुई कि इन तमाम चीजों को उद्धृत करते हुए, मतलब लड़कियां जब शिक्षा ले रही हैं या उनका चयन हो जा रहा है या उनकी नौकरी लग जा रही है, उन उनमें किसी तरह का द्वंद नहीं दिखाई देता, मतलब सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कि बड़ी लड़की सिया और गार्गी जब अंतरजातीय विवाह करने की बात करती है, वो भी एक बंगाली और एक पंजाबी से, तो भी उनके दादा दादी और माता पिता बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि समाज क्या सच में इतना आगे बढ़ गया है कि उसमें वो जो द्वंद वाली स्थितियां थी वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं क्या? तो वहीं पे फिर एक दूसरा पक्ष शुरू होता है कि अगर उपन्यास के सकारात्मक पक्षों की बात करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि समय की जो मांग है उसके हिसाब से विषय का चयन है, स्त्री अधिकारों की बात है, स्त्री और लड़कियां निश्चित तौर पे लड़कों के की अपेक्षा अधिक संस्कारी होती हैं, अधिक आज्ञाकारी होती हैं, माँ बाप की सेवा भाव में ज्यादा जुड़ी रहती हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उनके जीवन का जो द्वंद है उसको इतना एकांगी बना देना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इस उपन्यास का एक कमजोर पक्ष है। उपन्यास को इतना ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि जो सवाल या जो प्रश्न, जिन प्रश्नों के साथ हम अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हैं, वो इन उन रिश्तों की जड़ों को जड़ नहीं होने देते, उसमें एक तरह की जीवंतता रहती है। समय की संगति में जो सिद्धांत या जो विचार बहक जाते हैं वो अपने ही प्रतिवाद खड़े करते हैं और वो प्रतिवाद ही आगे चलकर उनका विकल्प होते हैं। इसीलिए बार बार कहा गया है कि जीवन संघर्षपूर्ण है और उन संघर्षों और उन विरोधों के बीच में से सामंजस्य का रास्ता निकालते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस उपन्यास में जैसे कि पहले सत्र में त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि कोई फार्मूलाबद्ध तरीका या कोई कृत्रिम लेखन का तरीका अपनाकर आप जब लिखेंगे तो फिर वो लेखन का एक एक तरह से उस मैकेनिकल रूटीन के आप प्रिजनर हो जाएंगे,
वहां पे वास्तविकता नहीं दिखेगी। और एक तरह जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसमें वो जिज्ञासाएं नहीं उत्पन्न हो पाती जो उपन्यास को पढ़ते समय पाठक के अंदर लगातार बनी रहनी चाहिए, जैसे कि उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा लगातार हो कि आगे क्या हो। इस संदर्भ में सबसे कमाल के उपन्यासकार हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी जी, जो बाणभट्ट जैसे उपन्यास लिखते हैं और हम देखिए किस तरह से वो कथाक्रम में घटनाओं को पिरोते हैं, तो वो उसके एक सौंदर्य का साहित्य के बहुत बड़ा पक्ष है। इधर फॉर्मूलाबद्ध तरीके से या सरकारी जो संदर्भ हैं उनको लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा गया, बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन उनका धरातल एकदम वास्तविक था। जैसे कि मैं दो फिल्मों का उल्लेख करूं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, या फिर महावारी को लेके जो एक फिर दूसरी फिल्म अक्षय कुमार की आई, तो वहां पे विषय तो वही है कि स्वच्छता अभियान वाला विषय है और वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नारा नहीं है, उसमें किसी के जीवन की वास्तविकता है जो जमीन से जुड़ी हुई है, जिसमें सहजता है। और अब जब आप उसको देखते हैं या पढ़ते हैं तो आप उससे हुए जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहां पे वो पूरा संघर्ष भी है, यहाँ पे मोरवाल जी के उपन्यास में वो संघर्ष पूरी तरह से गायब है, जबकि हम जानते हैं ऐसा नहीं है। आदरणीय करुणा शंकर जी अपनी बात जब कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि आज भी स्त्री जीवन का संघर्ष पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि उनको साबित भी करना है और साबुत भी रहना। हालांकि ये संघर्ष सिर्फ स्त्रियों का नहीं है, ये संघर्ष पुरुषों का भी है, उनको भी बराबर साबित भी करना है और साबुत भी करना है। हाल ही में इंडस्ट्री के एक जाने माने युवा नायक ने कमरे में आत्महत्या कर ली, और उसके बाद जिस तरह के आरोप मीडिया में लग रहे हैं उनकी सच्चाई तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा कार्य क्षेत्र जो भी हो वहां पे एक एक जिद और एक लड़ाई हम रोज लड़ते हैं, और वो लड़ाई होती है अपने आप को साबित करने की। स्त्री को घर में भी साबित करना है, जहां पे वो काम करती है वहां भी साबित करना है, और इसके अलावा वो तमाम रिश्ते जिनसे वो जुड़ी हुई है उसमें रोज का अपना एक संघर्ष है। तो वो उस संघर्ष का वर्णन कहीं ना कहीं इस उपन्यास में दिखाई नहीं देता, सारी चीजें बहुत सहजता से चलती हैं। अंत में पीहू की कहानी जो है, जो लास्ट के 15-20 पन्नों में उन्होंने रखी, उसमें जरूर वो एक नाटकीय मोड़ देते हैं कि पीहू पढ़ने के लिए विदेश जाती है, वहीं पे किसी एनआरआई से शादी करके सेटल हो जाती है, लेकिन वो हर साल जो है भारत जरूर आती है और उस अनाथाश्रम में जाती है जहां से उसको एडॉप्ट किया गया था, और वहां पे वो एक मोटी रकम चंदे के तौर पे देती है ताकि उसकी जैसी जो लड़कियां हैं उनके उनके संपोषण उनके पालन पोषण की उचित व्यवस्था हो सके। तो वो कहीं ना कहीं संवेदना के स्तर पे जोड़ता है कि जिन परिस्थितियों से निकल के वो लड़की आई है, वो एक एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की सीईओ हो जाने के बावजूद वो उस चीज को भूली नहीं है, और वो लगातार अपने उन दिनों को याद करते हुए उनके लिए कुछ करना चाह रही है। लेकिन लेकिन इस तरह का कोई द्वंद्व या संघर्ष बाकी उपन्यास में दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि जिसे उपन्यास लिखने के लिए कहानी नहीं एक विचार था मोरवाल जी के पास कि स्त्रियों शिक्षा जो है शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों का कैसे उद्धार हो, और उद्धार हो रहा है, बस इसी आधार पे उन्होंने ये छोटा सा उपन्यास लिखा, जो कि शायद जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा था ये फार्मूलाबद्ध अधिक लगा हम लोगों को। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि समय की जरूरत को लेके, और भारत जिस तरह का देश है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि 18वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी एक साथ चलती है, तो ऐसे समय भी में भी ऐसे विषयों के ऐसे उपन्यासों की बहुत जरूरत है। जिस सहजता और सरलता से वो उपन्यास लिख रहे हैं उसकी भी बहुत जरूरत है, लेकिन जब आप उसे साहित्य की एक विधा में पिरो रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसे पढ़ने वाले पाठकों या समीक्षकों की अपनी एक उसको देखने की अपनी एक दृष्टि बन जाती है। वो सिर्फ एक मैकेनिकल रूटीन के प्रिजनर के रूप में उसको नहीं देखेंगे, या वो इसको एक सोशल कम्युनिटी के आइडिया के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि वो एक लिटरेचर के फॉर्म के रूप में देखेंगे। तो उस लिटरेचर के फॉर्म में जब आपके सोशल कम्युनिटी की आइडिया को जब आप बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो फॉर्म भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि वो आइडिया होता है।
तो ये उस सामाजिक व्यवस्था, उस सोशल स्ट्रक्चर के आगे जाने वाली बात है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि गोइंग बियॉन्ड द सोशल स्ट्रक्चर। तो जब आप उस सोशल स्ट्रक्चर के बाहर जाकर उसे किसी कृति के रूप में लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम जो है समीक्षक के रूप में, पाठक के रूप में, या अध्ययन अध्यापन से जुड़े होने के नाते हमारी हमारी लेखक से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, उपन्यास कोई भी पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण हम ये भी मानते हैं कि उसमें सूचनाएं कितनी ज्यादा हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि ये सूचनाएं और कॉन्ट्राडिक्शन ही हैं जो हमको संपन्न करते हैं, हमारे विचारों को संपन्न करते हैं। और उपन्यासों की समीक्षा करते समय हम अलग अलग एंगल से उसको देख पाते हैं, अलग अलग कोणों से उसकी विवेचना कर पाते हैं। तो इस तरह के जो उपन्यास हैं जो खाली वैचारिक धरातल पर लिख दिए जा रहे हैं, उनसे एक मांग ये जरूर होनी चाहिए कि विचारधारा के साथ साथ वो उनके जो उपन्यास के जो तत्व हैं, या विधा विशेष की अपनी जो मान्यताएं हैं, उनका भी उसमें बराबर योगदान हो, ताकि पाठकों को आपकी मेहनत से जब वो परिचित हों तो उनको आपकी विचारधारा के साथ साथ वो एक साहित्यिक रोचकता भी मिले। और किस तरह से एक विधा दूसरी विधा से अलग होती है, किस तरह से एक विधा की अपनी खूबी होती है, वो सारी विशेषताओं से भी उनका परिचय होना चाहिए। एक सवाल ये भी मन में था कि क्या, चूंकि ये पूरी तरह स्त्री केंद्रित उपन्यास है, तो इसको स्त्रीवादी या स्त्री विमर्श से जुड़ा उपन्यास कहा जा सकता है, तो मैं चूंकि ये फेमिनिस्ट मनीष अप्रोच, मनीष थोड़ा समेट लीजिए प्लीज। जी, हाँ थोड़ा तो कम। इस फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में तो ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जिस विचारधारा को लेके उन्होंने वो उपन्यास लिखा है, निश्चित तौर पे वो हमारे समय की मांग है, और इस तरह के उपन्यासों पे लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। मुझे इस आयोजन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं महाविद्यालय का और आदरणीय मिसेज शर्मा मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत सुंदर ढंग से एक समीक्षक के रूप में उसको प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जयश्री सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ विशेष वक्तव्य के लिए। मैडम जोशी बेडेकर महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका हैं। आपको आपने एमए में मुंबई विश्वविद्यालय से एमए किया है, और एमए के लिए आपको स्वर्ण पदक मिला, और इसी के लिए उन्हें पंडित नरेंद्र शर्मा हिंदी एकेडमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुंबई विश्वविद्यालय से। और मुंबई बोर्ड द्वारा 1999 में सरस्वती सुत सम्मान से सम्मानित किया गया। आपकी व्यक्तित्व को देखते हुए रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आपको युवा 2019 में के आयोजन में आमंत्रित किया गया। आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हैं और एक संपादित है, और आपके विविध विषयों पर 35 से अधिक शोधालेख प्रकाशित हैं। मुंबई आकाशवाणी से 3 रेडियो वार्ताओं का प्रसारण हो चुका है। विविध भारती मुंबई से हर श्रृंगार के फूल कहानी का प्रसारण हो चुका है। मैं मैडम आपको वाणी सुमन अर्पित करते हुए बड़ी आदर भाव से अपने वक्तव्य के लिए